ये तस्वीरें देख रहे हैं आप, ये वो गैंगस्टर है जिन्होंने वर्चस्व के लिए सैकड़ों जाने ली। ये वो गैंगस्टर हैं जिनके एक इशारे पर कई खूनी गैंग वॉर हुए। लॉरेंस बिश्नोई से लेकर सुखा कहलवा, बदन सिंह बद्दू से लेकर बम्बीहा, सब ने अपना पावर और कौन कितना बड़ा या यूं कहें स्टाइलिश गुंडा है ये दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। जाहिर सी बात है, सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड के बाद एक से एक गैंग और उनके बीच चल रही गैंग वॉर की कहानी सामने आ रही है। ऐसे में क्राइम तक पर आज कहानी देश के ऐसे गैंगस्टर्स की जिनके नाम से आज भी लोग खौफ खाते हैं। सुखा कहलवा गैंग। एक वक्त ऐसा था जब खतरनाक गैंगस्टर सुखा का खौफ पंजाब, हरियाणा और राजस्थान से लेकर पश्चिम बंगाल तक फैला हुआ था। साल 2000 से 2015 तक सुखा का नाम 60 से भी ज़्यादा आपराधिक मामलों में आया। इन मामलों में हत्या, डकैती, गैंग वॉर के साथ साथ कई गंभीर मामले भी शामिल थे। इस गैंगस्टर का निशाना अचूक था, इसी वजह से उसकी पहचान एक शार्प शूटर के तौर पर थी। 20 जनवरी 2015 को विक्की गोंडर गैंग के सदस्यों ने 28 साल के सुखा की पुलिस हिरासत में ही गोली मारकर हत्या कर दी थी। इतना ही नहीं, सुखा की हत्या के बाद उसके हत्यारे पुलिस के सामने ही बेखौफ नाचने लगे थे। लॉरेंस बिश्नोई गैंग। सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद लॉरेंस बिश्नोई को शायद ही कोई ऐसा हो जो ना जानता हो। लॉरेंस एक एक्स पुलिस कांस्टेबल का बेटा है जिस पर 30 से भी ज़्यादा आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। पिछले 7 साल से लॉरेंस जेल में ही है और ऐसा कहा जाता है कि तिहाड़ जेल में रहने के बावजूद वो बड़ी आसानी से अपना गैंग चला रहा है। अभी उसके गैंग में 700 से ज़्यादा शूटर शामिल हैं। देवेंद्र बम्बीहा गैंग। एक वक्त ऐसा था जब देवेंद्र बम्बीहा गैंग का नाम सुनते ही दूसरे गैंगस्टर कांप उठते थे। साल 2016 में पुलिस एनकाउंटर में देवेंद्र मारा गया था, लेकिन उसका गैंग आज भी एक्टिव है। लॉरेंस बिश्नोई के करीबी लोग इस बात का दावा करते हैं कि सिद्धू मूसेवाला देवेंद्र बम्बीहा गैंग के करीब था। मूसेवाला ने अपनी एक एल्बम का नाम भी बम्बीहा रखा था। बदन सिंह बद्दू। पश्चिमी उत्तर प्रदेश का कुख्यात गैंगस्टर बदन सिंह बद्दू पर यूपी पुलिस ने 2.5 लाख और दिल्ली पुलिस ने 50,000 रुपये का इनाम रखा है। 7 भाइयों में से सबसे छोटे बदन सिंह बद्दू ने ट्रांसपोर्ट के कारोबार में कदम रखा। इसी दौरान उसके संबंध कई बदमाशों से हो गए। बताया जाता है कि उसने साल 1988 में अपराध की दुनिया में कदम रखा। बदन सिंह बद्दू ने साल 1996 में एक वकील की हत्या की। इस मामले में कोर्ट ने उसे उम्र कैद की सज़ा सुनाई थी। 29 मार्च 2019 को जब उसे गाजियाबाद पेशी पर लाया गया, तब वापसी के दौरान मेरठ में उसने पुलिसकर्मियों को रुपए और पार्टी का लालच दिया। इसके बाद वो एक होटल गए जहां पुलिसकर्मियों को उसने शराब पिलाई और फिर फरार हो गया। तब से यूपी पुलिस उसकी तलाश कर रही है। बदन सिंह आज भी आसानी से अपना गैंग चला रहा है। गुरबख्शा सोबेवाला गैंग। पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में हत्या, लूट, अपहरण और फिरौती के लिए बदनाम इस गैंग के खूब चर्चे हैं। इस गैंग का सरगना रंजीत सोबेवाल साल 2015 में मारा गया था। इसके बाद उसका भाई गुरबख्श इस गैंग को चला रहा है। गुरबख्श भी साल 2017 में पकड़ा गया, लेकिन आज भी वो जेल से अपने गैंग को ऑपरेट करता है। जग्गू भगवानपुरिया गैंग। पंजाब में ये गैंग सबसे ज़्यादा एक्टिव है। किडनैपिंग, वसूली, हाईवे रॉबरी जैसी वारदात को ये अंजाम देता है। इस गैंग का मुखिया जग्गू है, उसे साल 2015 में पुलिस ने गिरफ्तार किया था। हालांकि इसके बाद भी वो जेल से अपना गैंग ऑपरेट करता है। गुंडर एंड ब्रदर गैंग। पंजाब के सबसे खतरनाक गैंगस्टर में गुंडर एंड ब्रदर्स का नाम शामिल है। इसका मुखिया विक्की गोंडर है। ये वही विक्की गोंडर है जिसने पंजाब के नामचीन गैंगस्टर सुखा कहलवा को पुलिस हिरासत में दिन दहाड़े मार डाला था। इसके बाद हत्यारों ने पुलिस के सामने डांस किया। इसी गैंग पर पंजाबी सिंगर मनकीरत औलख को धमकी देने का भी आरोप है। विक्की गोंडर अभी जेल में है और वहीं से वो पूरा गैंग ऑपरेट कर रहा है। हाल ही में सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद उसके गैंग ने बदला लेने का ऐलान भी किया है।